हेलो फ्रेंड्स, रूबीज कुक बुक में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन आने वाली है तो आप भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए कलाकंद बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 2 किलो फुल फैट दूध को एक पतीला में डाल लेंगे। आप यहाँ पे फुल फैट दूध ही लीजिएगा, तभी दूध से अच्छे क्वांटिटी में छेना आपका निकलेगा। तो देखिए, 2 किलो फुल फैट दूध को हमने डाल लिया है। इसमें से आधा लीटर दूध को एक कढ़ाई में हमने अलग कर लिया है। इसे गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, इसको हम गाढ़ा होने देंगे। बाकी 1.5 किलो दूध को भी गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं। इसमें बॉयल आने पर इसका छेना फाड़ लेंगे। जो कढ़ाई में दूध को चढ़ाया था उसमें बॉयल आ गया है। इसको लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम में गाढ़ा होने देंगे। तो देखिए, इसको लगातार चलाना है, नहीं तो दूध तले में बैठ सकता है। और इस तरह से करेंगे ना तो हमारा कलाकंद भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। इधर पतीला में दूध में थोड़ी देर में बॉयल आ जाएगा। और इसे फाड़ने के लिए हम विनेगर को यूज करेंगे। आप यहाँ पे नींबू भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच हमने विनेगर लिया है, इसमें हम 1/2 कप लगभग पानी मिला देंगे। तो देखिए, इधर दूध में बॉयल आ गया है। इसको गाढ़ा नहीं करना है, बस बॉयल आने पे ही जो हमने विनेगर को पानी के साथ मिला के रखा था, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। जैसे ही दूध अच्छे से फट जाएगा उसके बाद हम विनेगर नहीं डालेंगे। 2 चम्मच विनेगर को पानी के साथ जो मिला के रखे थे उसको हमने पूरा ही डाल दिए थे। उसके बाद 1 चम्मच विनेगर को हमने और भी यूज़ किया है, उसमें पूरा ही दूध अच्छे से फट गया था। तो लगभग 3 चम्मच विनेगर हमने दूध को फाड़ने में यूज़ किया है। तो देखिए, 3 चम्मच विनेगर डालने के बाद यहाँ पे दूध अच्छे से फट गया है। जब दूध अच्छे से फट जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 5 मिनट इसी तरह से पतीला में ही रहने देंगे। इससे छेना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तब तक इधर कढ़ाई में दूध को जो गाढ़ा होने के लिए दिया है उसको हम एक बार देख लेंगे। तो देखिए, इधर दूध भी आधा हो गया है, थोड़ा गाढ़ा और भी होना बाकी है। तो अब छेना को छान लेंगे। एक छन्नी के ऊपर कपड़ा को हमने रख लिया है। अब छेना को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से पूरा छेना को हमने कपड़ा में डाल लिया है। अब चारों ओर से कपड़ा को इस तरह से पकड़ के जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हम निचोड़ लेंगे अच्छे से। इस पानी को अच्छे से निचोड़ कर निकाल देंगे। और ये जो पानी निकला है इससे आप आटा गूंथ सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। अब ये जो छेना है इसको एक बार सादा पानी से अच्छे से धोएंगे, जैसे इसका विनेगर का जो खट्टापन है वो अच्छे से निकल जाए। पहले छेना को 1-2 बार सादा पानी से धोएंगे, उसके बाद ठंडा पानी डालकर इसको अच्छे से धो लेंगे। इस तरह से विनेगर, चाहे नींबू, जो भी चीज़ से आप छेना को फाड़ते हैं वो निकल जाएगा। और इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे। ऐसे हल्का थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, एक्स्ट्रा पानी को हमने दबाते हुए निकाल लिया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं छेना कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। आप बाहर का पनीर लाके भी उससे भी आप कलाकंद बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो एकदम फ्रेश बनेगा। इधर कढ़ाई में दूध गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें 1/2 कटोरी चीनी डालेंगे। इससे कलाकंद अच्छे से मीठी हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 1-2 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा डाल सकते हो। उसके बाद देखिए, चीनी डालने के वजह से थोड़ा सा गीला हो गया है। अब जो छेना फाड़ के रखे थे इसको इस तरह से तोड़ते हुए हम डाल देंगे। और उसके बाद मीडियम फ्लेम में इसको चलाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी को सुखा लेंगे। उसके बाद इसमें एकदम हल्का सा इलायची पाउडर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो इलायची ना डालें। तो देखिए, इसको लगातार चलाते हुए 4-5 मिनट में इसका एक्स्ट्रा पानी सूख गया है। यहाँ पे हमने बहुत थोड़ा सा कलाकंद बनाया है। आप चाहो तो बहुत सारे दूध का बहुत ज़्यादा करके भी कलाकंद बना सकते हो, बहुत इजीली बन जाता है। तो देखिए, लगातार चलाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी जो है सूख गया है। इधर हम चौकोर शेप में एक बर्तन को ले लिया है, इसको घी से हम ग्रीस कर देंगे। और आपके पास इस तरह का बर्तन नहीं है तो आप छोटा
थोड़ा ऊंचा टाइप का गोल बर्तन में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसको हम पूरा ही डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद चम्मच से इस तरह से ऊपर का हिस्सा बराबर करके चिकना कर लेंगे। तो देखिए चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको चिकना कर लिया है। अब इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने तक वेट करेंगे। तो देखिए ये आधा से एक घंटा बाद ये ठंडा हो गया है। तो चाकू से इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लेंगे। तो देखिए कलाकंद को हमने काट लिया है। अब बारीक चॉप किया हुआ हम पिस्ता को थोड़ा थोड़ा बीचों बीच इस तरह से हल्का हल्का डेकोरेट कर देंगे। आप यहाँ पे केसर का धागा भी लगा सकते हैं। ये पिस्ता चाहे केसर का धागा लगाना टोटली ऑप्शनल है। तो देखिए टेस्टी टेस्टी बाजार से भी अच्छा कलाकंद बनकर तैयार है। अब प्लेट में सर्व कर दिखाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बना है, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई भी घर में त्यौहार हो या सामने रक्षाबंधन है, आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा बनता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कलाकंद का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।